रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नन मैं हूं भाभी, और आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नन नन भाभी। भाभी। तो आज हमारे किचन में बन रहा है कुछ आज हमारे खास। किचन में बन रहा है अचारी गोश्त, ठीक है, जिसके लिए वो भी बीफ में, ठीक है। ठीक है, बीफ हमने लिया है 1.5 किलो, ठीक है। और ये हमने जो है चंद हरी मिर्ची ली है बड़ी वाली, और 5 हमने जो है टमाटर लिया था जिसको हमने पीस लिया है, और 1 कप हमने दही लिए है, और ये अचारी मसाला है जिसमें से हमने 2 चम्मच जो पिसा हुआ धनिया लिया जिसको हमने कूट लिया है, 2 चम्मच हमने सौंफ लिया उसको भी कूट लिया हमने, और 1/2 चम्मच हमने हल्दी ली है, 2 चम्मच भर के हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ठीक है। और 1/2 चम्मच हमने कलौंजी ली है, और 1/2 चम्मच से कम हमने जो है ये वो दाने वाली मेथी ली है, और 1 चम्मच हमने टमाटर लिया है, और ये 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये हमने 3 चम्मच जो है अचारी मसाला अलग से भी लिया है। आप चाहें तो लें वरना ज़रूरत नहीं है लेने की, ठीक है। और 1 बड़े साइज़ की प्याज है जिसको हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। चलें ये बनाते हैं। 1 कप हमने इसमें तेल डाला है, अब हम ये प्याज डालेंगे इसमें, और इसको थोड़े लाइट गोल्डन करेंगे हम। लाइट गोल्डन हो गई है, अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, इसी के साथ ही हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। प्याज और अदरक लहसुन के साथ हम इसको 5 मिनट तक भूनेंगे, ठीक है। अब ये सारे मसाले हम जो एक जगह करके मिक्स कर लेंगे, और जो ये हमने रेडीमेड मसाला लिया था ये सारे मसाले हमने मिला दिए अच्छी तरह। अच्छा, इसमें से हम जो है 2-3 चम्मच के करीब जो है निकाल लेंगे जो हमें मिर्चों में भरना है, ठीक है। अच्छा, मिर्चों में भी भरेंगे? मिर्चों में भरेंगे हम। ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह भुनाई कर लिया है 5 मिनट तक। अब इसमें जो हमने ये मसाले बनाए थे अचार मसाला वो डाल के मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। हमने मसाले अच्छी तरह भून लिए, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे, इसको भी हम अच्छी तरह मिला लेंगे सब मसालों में। अब हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे। कितना पानी हमने इसमें 2 गिलास के करीब डाला है, ठीक है, क्योंकि बीफ है तो गलने में टाइम लेते हैं, टाइम लगता है। सब चीज़ें मिक्स कर ली हमने अच्छी तरह, अब हम इसको जो है 20 से 25 मिनट प्रेशर में पकाएंगे कुकर में, ठीक है। देखिए, जब तक गोश्त तैयार हो रहा है, ये हमने देखिए मिर्चें ली हैं हमने, इसको हम इस तरह 20 से कट कर लिया है, और ये अचार मसाला है, ये नींबू गोश्त का अरक है, इमली का पेस्ट है, ठीक है। हम इसको इसमें डालेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने अच्छी तरह पेस्ट बना लिया इसका, और आप चाहें तो नींबू की इमली की जगह नींबू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको इस तरह भर लेंगे, इस तरह आप भर लेंगे इसको, एक एक करके सब भर लें आप। देखिए, तैयार है, बिल्कुल तैयारी पे ही, इसमें 5 मिनट और लगेगा, गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसमें जो दही ऐड करेंगे उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इसको हम 5 मिनट थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तैयार है, ये भून दिया है हमने अच्छी तरह। अब हम इसमें जो हमने मिर्चें भरी थी मसाले से वो हम डालेंगे इसमें एक एक करके, और हम बस सिर्फ 1 मिनट तक इसको कवर करके रख देंगे बस। तैयारी है अचार गोश्त, बनाइएगा इंशाल्लाह, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।